मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में तमंचा घर खूब वायरल हो रही है क्योंकि तमंचे के साथ पुलिस ने इसे पकड़ा है, मगर सोशल मीडिया में इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, मगर इसकी सच्चाई क्या है? कौन है तमंचा गर्ल? मैनपुरी में आखिर इस तमंचा गर्ल को किसने पकड़वा दिया? तो आपको बता दें कि इस तमंचा गर्ल का नाम करिश्मा है। फिरोजाबाद के फूलवाड़ी गांव में रहने वाली तमंचा गर्ल करिश्मा की दादी ने जो बताया वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। दादी के मुताबिक इसी तमंचा गर्ल ने करीब एक साल पहले अपने माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। अम्मा, मैनपुरी में जो लड़की पकड़ी गई है करिश्मा, वो कह रही कि हम यहाँ फिरोजाबाद यहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या रिश्तेदारी आपकी उससे? मेरी नाती ने। अच्छा, वो सर ने पूछ लो, मेरी नाती भाई को लड़का, भाई ने मार दो बाप। अच्छा हाँ, ताज बजी डोनती है और बता। अच्छा, तो भाई ने मारी मेहता। तमंचा क्यों रखती है वो? हाँ, तमंचा ही तुम्हारी है। तो तमंचा हर समय रखती है क्या? हाँ, हर समय रखती तमंचा क्या? और तभी से ये तमंचा लेकर घूमती है। माँ बाप के मौत के बाद अपनी छोटी बहन के साथ मैनपुरी में अपने मामा के साथ ही तमंचा गर्ल रहने लगी, मगर अपने मामा पर ही इसने तमंचा तान दिया, जिसके बाद मामा ने इसे पुलिस से पकड़वा दिया। अच्छा, वहाँ पुलिस ने किसने पकड़वा दिया, किसी को पता है क्या? बग मामा ने। तो वहाँ पे भी क्या कर दिया था उसने? मैं मार दिया गई। किसको गई थी मारने? एक तो मामे मारिया पड़े हंसो, दूसरा आ जाइए कट्टा दद्दा हुआ तो भाई ने पकड़वा दी। वही आप लोगों को भी डर है क्या उससे? हाँ, आप लोगों को भी खतरा है क्या उससे? खतरा यहाँ पे भी आ सकती है, कैसे हरकत करती है? वैसे भी डर रही मत बोला, लगा दे ही गए। मैं कहते भरोसो कहने को लड़का मार दो दुखड़िया मरवाने डर है। अच्छा, इसके पिता को किसने मार दिया? भाई ने, लड़की ने। हाँ, कितने समय पहले घटना हुई थी? आखिर एक साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? जिस घर में ताला लगा हुआ है, इसी घर में तमंचा गर्ल के माता पिता रहते थे। दरअसल 8 फरवरी 2021 को पति पत्नी दोनों की मौत की खबर सामने आई। उस वक्त के मुताबिक पत्नी ने अवैध संबंध के शक में पहले पति को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारी, मगर मामले में न ही कोई पैरवी किया और न ही कोई गवाह मिला, जिसकी वजह से ये केस बंद हो गया। ये पति पत्नी कोई और नहीं बल्कि तमंचा गर्ल के माता पिता थे, मगर अब तमंचा गर्ल की दादी ने जिस तरह से ये खुलासा किया है, ये पुलिस के सामने भी बेहद चुनौती है कि पुलिस अब इस मामले की किस तरह से जांच करेगी और पुलिस जांच में आगे और क्या खुलासे होंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।